हेलो स्टूडेंट्स, हम मोनिका टीचर स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश स्कूल सवाई माधोपुर। टुडे आई एम टीचिंग यू डिविजिबिलिटी रूल, हाउ टू सॉल्व एनी डिवाइड इन इजी वे। ओके, सो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारे वीडियोज मिलते रहे। एंड प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना ना भूले, एंड प्लीज कमेंट भी कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, लेट्स वी स्टार्ट आवर क्लास। सो टॉपिक इज डिविजिबिलिटी रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू रूल ऑफ द टू। व्हाट इज द रूल टू? इफ यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर, यूनिट डिजिट मीन्स किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट क्या होती है। जैसे मान लीजिए हमारा नंबर है, इसकी यूनिट डिजिट है एग्जाम्पली 6, तो किसी भी डिजिट का या किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर इवन हो, इवन मीन्स लाइक 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई एक डिजिट हो, देन दिस नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 2। हम एग्जांपल करके देख लेते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया 2, 3, 4, 6। 2, 3, 4, 6 देयर इज अ यूनिट डिजिट 6 एंड दिस 6 इज डिविजिबल बाय 2। 6 इज डिविजिबल बाय 2, दैट मीन्स होल नंबर डिविजिबल बाय द 2 डेफिनेटली। देन वी विल डिस्कस अबाउट द रूल 3। रूल 3 क्या होता है हमारा? इन द रूल 3 सपोज टेक एग्जांपल 3, 4, 9, 2। हमें चेक करना है दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3 और नॉट। सो हाउ टू सॉल्व? फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं, सारे नंबर्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर लेंगे। लाइक 3 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 2, एंड आफ्टर दिस एडिंग 3 और 4 7 7 और 9 16 16 to 18, दिस सम इज डिविजिबल बाय 3 और मोर। अगर ये नंबर 3, ये जो 18 हमारा आया है, 3 से डिवाइड है मीन्स 3 से डिवाइड है मीन्स 6, तो ये पूरा नंबर हमारा किससे डिवाइड है? 3 से। हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। हमने क्या किया, हमने तुरंत ही जल्दी से इसका सम किया, सम करके हमने चेक किया, चेक करके हमें पता चल गया कि ये नंबर पूरा 3 से डिवाइजिबल है या नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले रोल नंबर 9। रोल नंबर 9 के अंदर क्या होगा, हमने कोई एग्जाम्पल लिया है 2, 4, 5, 6 पर, वही रूल नंबर 9 बिल्कुल सेम 3 की तरह होता है। हमने 3 वाले रूल में हमने क्या किया था, सभी सारे डिजिट्स को ऐड किया था, 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 1, इन सब का एडिशन क्या आ रहा है हमारा देखते हैं। 2 प्लस 4 6 6 और 6 12 12 5 17 17 18, इसका एडिशन हमारे पास आ रहा है 18। अब जो इसका एडिशन आया है हम इसको चेक करेंगे 9 से, क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए 9 टू 18 हो रहा है 2 टाइम्स, मीन्स अगर इसका एडिशन 18 9 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो फिर ये पूरा के पूरा नंबर भी हमारा किससे डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होने वाला है। सो आपको पता चल गया रूल 2 रूल 3 रूल 9, हमने तीनों रूल पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या होता है? रूल नंबर 4 में हमारे 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड, फर्स्ट हमारा होता है जैसे हमारा कोई भी नंबर है, लास्ट 2 डिजिट्स, हमारी जो लास्ट 2 डिजिट्स होती है अगर वो डिवाइडेड है बाय 4, अगर लास्ट 2 डिजिट किसी भी नंबर की 4 से डिवाइड है, मीन्स वो पूरा के पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा हमारा, 4 से डिवाइड होगा। या फिर अगर लास्ट 2 डिजिट्स अगर हमारी 0 है, लास्ट 2 डिजिट्स हमारे क्या है, 0, तो भी हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीट नंबर हमारा किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। एग्जांपल करके देख लेते हैं हम लोग। देखिए हमारा एग्जांपल लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाई 4 मीन्स लाइक 2, 4, 6, 3, 2, लास्ट 2 डिजिट मीन्स 32।
32 is divisible by 4, 4 is 32. So means इस नंबर को देखते ही मैं कह सकती हूँ कि ये पूरा के पूरा नंबर हमारा 4 से डिवाइड. आप चेक कर सकते हैं इसको करके अपनी कॉपी में सॉल्व करके कि ये नंबर पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है. अगर कोई एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है, देखिए आप लोग लास्ट टू डिजिट दोनों क्या है हमारी 00 है. मीन्स इन दोनों के 00 होने से पता चल रहा है कि अगर मैं इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करती हूँ या इन डबल जीरो को देखते हुए मुझे समझ जाना चाहिए कि ये नंबर कंप्लीटली 4 से डिवाइड होगा. आप लोग इसे घर पर चेक कर सकते हैं, ये भी आपको 4 से डिवाइड ही मिलेगा. मीन्स मैंने रूल 4 पढ़ा, रूल 4 में हमने ये दो मैथड्स पढ़े हैं. पहला मैथड है हमारा किसी भी नंबर में अगर लास्ट के टू डिजिट्स अगर वो 4 से डिवाइड हो रही है तो पूरा नंबर भी हमारा किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा. और अगर लास्ट के टू डिजिट हमारे पास डबल जीरो है तो उसको देख के हमें समझ जाना चाहिए कि वो नंबर हमारा 4 से डिवाइड ऑब्वियसली होगा ही होगा. रूल 5 में क्या होता है, रूल 5 बिल्कुल रूल हमारे 2 की तरह है. व्हाट विल इन दैट रूल नंबर 5, इफ यूनिट डिजिट विल बी 0 and 5. अगर किसी भी नंबर में यूनिट डिजिट 0 है और 5 है तो हमें क्या लगता है कि वो हमारा क्या होगा, वो पक्का हमारा रूल 5 या फिर नंबर 5 से डिवाइड होगा. लाइक एग्जांपल 2340, ये नंबर हमारा पक्का 5 से डिवाइड होगा क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है इसकी 0. लाइक अनदर एग्जांपल 525, लेट्स सी हियर यूनिट डिजिट इज द 5, सो कंप्लीट नंबर विल आल्सो बी डिवाइडेड बाय द 5. ओके, देन रूल सिक्स हमारा, रूल सिक्स देखा जाए तो सिक्स किसका मल्टीपल होता है हमारा 2 and 3 का. सिक्स इज द मल्टीपल ऑफ द 2 and 3. व्हाट इट मीन्स दैट इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय द 2 and 3 ऑल्सो देन कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय द 6. इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ then complete number is divisible by 6. 6 का कोई particular rule नहीं होता है. 6 आपका 2 और 3 से मिलकर बना होता है. दैट मीन हम कह सकते हैं कि जो संख्या हमारी 2 से भी डिवाइड हो रही होगी वो 3 से भी डिवाइड हो रही होगी, वो हमारी किस से भी डिवाइड होगी, वो हमारी 6 से भी डिवाइड होगी. एग्जाम्पल करके देख लेते हैं हम. मैंने एग्जाम्पल लिया है 3472. अब हम इसे करके देखते हैं क्या ये वाला एग्जाम्पल आपका अप्लाई हो रहा है या नहीं. इसमें सबसे पहले हम रूल 2 लिखेंगे, रूल 2 से देखेंगे क्या इसमें रूल 2 लग रहा है. देखिए यूनिट डिजिट क्या है इसकी 2 है. मींस यूनिट डिजिट इवन नंबर है. मींस ये संख्या 2 से तो हमारी पक्का डिवाइड होगी होगी. सो 2 से तो हमारी डिवाइड हो रही है. रूल 3 देखते हैं करके इसके अंदर कि रूल 3 इसमें अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा. 3 + 4 + 7 + 2 राइट. 3 + 4 + 3 = 7, 7 = 14. 14 to 16. अब ये वाला जो नंबर है हमारा वो 2 से तो डिवाइड हो रहा है बिकॉज यूनिट डिजिट 2 होने की वजह से. बट ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड नहीं हो रहा. क्यों? क्योंकि हमारा 16 3 से डिविजिबल नहीं है. तो अगर ये नंबर 1 से तो डिवाइड है बट इससे नहीं है तो आप कह सकते हैं कि ये नंबर 6 से डिवाइड होगा? नो, ये नंबर 6 से कभी डिवाइड नहीं होगा जब तक ये दोनों इस नंबर को डिवाइड नहीं कर देते. सो हम अनदर एग्जांपल, लेट्स सी इस एग्जांपल को देखते हैं. यहाँ पर एक बार हम रूल 2 से चेक करते हैं क्या इस पे रूल 2 अप्लाई होगा. देखिए यूनिट डिजिट इज 2. यूनिट डिजिट 2 मींस पक्का अप्लाई होगा. यूनिट आपका 2 है तो पक्का रूल 2 अप्लाई होगा कि ये संख्या पूरी की पूरी 2 से डिविजिबल निकलेगी. रूल 3 का देखते हैं हम एक बार. रूल 3 देखिए, इस डू सम एडिशन 6 + 3 + 7 + 2. वट विल बी अपना 6 + 3 9 और 9 18. हियर विल बी 18. 18 किससे डिवाइड है हमारा? 18 3 से डिवाइड है. इट डिविजिबल बाय द 3 मीन्स ये जो संख्या है वो आपके 2 से तो डिवाइड है साथ में आपकी 3 से भी डिवाइड है. अगर ये संख्या दोनों से डिवाइड हो रही है मीन्स आपका एक पूरा के पूरा नंबर आप लिख सकते हैं. राइटिंग वे ऑफ क्या हो जाएगा आपका, आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर 6372 इज डिविजिबल बाय
and 3 both. So this number is completely divisible by 6. ये आपका लिखने का तरीका हो जाता है कि यहाँ पर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। रूल नंबर 8, रूल 8 बिल्कुल किसके तरह है हमारा, रूल 4 की तरह है। रूल 4 में हमने क्या पढ़ा था, रूल 4 में हमने यहाँ पढ़ा था कि आपका लास्ट के 2 डिजिट या तो हमारे 00 होनी चाहिए या फिर उसको किससे डिवाइड होनी चाहिए, 4 से। सेम रूल हमारा 8 में है। 8 में क्या है हमारा, रूल 8 कहता है हमारा कि लास्ट थ्री डिजिट्स वो डिवाइड, अगर 8 से डिवाइड किया अगर लास्ट के 3 डिजिट तो कंप्लीट नंबर हमारा किससे डिवाइड हुआ, 8 से। और अगर लास्ट में लास्ट थ्री डिजिट्स अगर हमारी 000 है, मींस ये भी आपका किससे डिवाइड हुआ, रूल 8 से डिवाइड हुआ। एग्जांपल करके देख लेते हैं हम, 3 4 5 1 2 5 1 2 5 1 2 देखिए यहाँ पर 5 1 2 हमारा 8 से डिवाइड है। आप करके देख लीजिए किसी नोटबुक में, आपको 5 1 2 हमारा 8 से डिवाइड मिलेगा। जब ये हमें दिख गया कि 3 डिजिट जब 8 से डिवाइड है तो हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, ये नंबर बिल्कुल डेफिनेटली 8 से डिवाइड होगा ही होगा। लास्ट 3 डिजिट अगर 30 है, ये नंबर भी आपका 8 से डिवाइड हुआ। आप इसे करके देख लीजिए, 3 नंबर की पहचान से मुझे पता चल रहा है कि क्या ये नंबर मेरा 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। लेकिन अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये सब चीजें हम कर क्यों रहे हैं, हम ये सब चीजें इसलिए कर रहे हैं कि मैथ्स में आप लोग की स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए। मैथ्स में जो हम लोग किसी भी नंबर को काटते हैं, ऊपर वाले नीचे वाले संख्याओं को काटते हैं, तो उस टाइम पे हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमें कौन सा नंबर किससे काटना है। तो उस वक्त ये डिविजिबिलिटी रूल हमारी इजीली हेल्प कर देते हैं और हमें तुरंत आइडिया हो जाता है किसी नंबर को देखते हुए कि हाँ ये नंबर हमारा इस संख्या से डिवाइड होने वाला है। अभी मान लो मुझे पता करना है कि ये 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है, रूल पता है कि यहाँ 30 है, पक्का 8 से डिवाइड होगा। मैंने बोल दिया कि जी हाँ होगा 8 से डिवाइड। यहाँ 5 1 2 है, यहाँ इन 3 डिजिट को देखकर मैंने सोच लिया कि 5 1 2 पक्का हमारा 8 से डिवाइड होता ही होता है। 3 डिजिट से पता चल गया, मुझे पूरा नंबर चेक करने की जरूरत ही नहीं, मैं कह सकती हूँ कि पक्का ये डिवाइड होगा हमारा 8 से। इस तरीके से आपका 8 का रूल भी फिनिश होता है। तो इस तरीके से हमने 2 3 4 5 6 8 9 इनका रूल हम पढ़ चुके हैं। अब आपके यहाँ पर रूल बचते हैं, रूल 7 बचता है, रूल 11 बचता है एंड रूल 10 बचता है। आपका रूल 10 बहुत ही ईजी है। रूल 10 में आपका क्या होता है, रूल 10 के अंदर लास्ट डिजिट, लास्ट और आप कह सकते हैं, यू कैन से दैट यूनिट डिजिट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। इफ लास्ट डिजिट विल बी 0 देन दिस नंबर इज कंप्लीटली, कोई भी नंबर होगा एनी नंबर, वो किससे डिवाइड होगा, पक्का 10 से डिवाइड होगा। मैंने एग्जांपल लिया 3 4 6 0, देखिए यहाँ पर लास्ट डिजिट 0 है, लास्ट डिजिट 0 मीन्स ये पूरा नंबर आपका किससे डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा। हम अगर एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं, अगर मान लो कुछ ऐसा होता है तो यहाँ पर भी सिंगल 0 मतलब पक्का ये किससे डिवाइड होगा, आपका 10 से डिवाइड होगा ही होगा। Now let us start with the rule number 7. Take one example for the rule number 7, 343. देखते 343 हमारा 7 से डिवाइड होता है नहीं, कैसे चेक करते हैं। स्टेप 1, यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2। इस एग्जांपल में देखिए यूनिट डिजिट हमारा क्या है, 3। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मींस 6। स्टेप 2 हमारी क्या कहती है, रिमेनिंग नंबर यूनिट डिजिट को छोड़कर, जिसको हमने डबल किया उसे छोड़कर जो रिमेनिंग बचता है, रिमेनिंग हमारा क्या है, 34। इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है इस डबल में से, और कितने रिमेनिंग किया, 28 रिमेनिंग किया। ओके सो नाउ लेट्स सी 28
28 is divisible by 7 or not? Yes, this is divisible by the 7. So means 28 divided by 7. So this complete number also will be divided by 7.